समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर पांजरिया गांव में यहां मुख्य मार्ग पर खड़े हुए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा से जो डुल्हार तक का जो रोड है वो काफी दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। रोड में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और इस मार्ग पर जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं वे भी काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। अभी बीते दिनों ही यहाँ पांजरिया गांव में जो स्पीड ब्रेकर है यहाँ पर एक बाइक फिसलने के बाद एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिन्हें खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था और समय पर उन्हें एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई थी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो खंडवा से डुल्हार तक का जो मार्ग है ये मार्ग जो दयनीय स्थिति में है, तो इसके पेच वर्क पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए निकाले जाते हैं, लेकिन वो पेच वर्क कौन करता है, कब करता है, ये कभी सामने नहीं आ पाया और पैसा हर बार निकल जाता है और लोग मजबूरी में यहाँ पर इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोगों की मजबूरी बन चुका है उन्हें ऐसे गड्ढे वाले मार्गों से गुजरना। और यहाँ के लोगों की तरफ से, इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों की तरफ से लगातार मांग उठ रही है कि ये मार्ग को यथाशीघ्र बनाया जाए और पेच वर्क के नाम पर जो पैसा निकाला जाता है उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी भी जाँच की मांग की जा रही है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस मार्ग पे लगातार हादसे, एक्सीडेंट और लोग बाइक से फिसलकर घायल हो रहे हैं, कई लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। तो ये खबर करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर हमारी कुछ राहगीरों से मुलाकात हुई है, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या कहना है। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश मंसारे। आप कहाँ रहते हैं? कुमटी जी। क्या कहना चाहेंगे भैया, रोड जो बदहाली की, ये रोड की स्थिति बहुत ही खराब है जी, और ये रोड बनना चाहिए। जो मटेरियल आता है वो भी कमजोर लगाते हैं जी, सही पेच वर्क जो का पैसा, हाँ वो आता है, टेंडर आता है जी, मगर बीच में ही खा जाते हैं जी, सही तरीके से बना नहीं पाते। कच्चा मटेरियल उसकी जाँच होना चाहिए जी, और ये रोड भी जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। ये रोड जल्द से जल्दी बनना चाहिए क्योंकि आए दिन घटनाएं होती रहती है जी। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं खंडवा जा रहा हूँ। कहाँ से? कुमठी से आया हूँ। कुमठी से आया हूँ और यही एक मार्ग है खंडवा जाने के लिए जी। यहाँ पे 24 घंटे ट्रैफिक रहता है, 24 घंटे ट्रैफिक रहता है, 24 घंटे गाड़ियाँ चलती है। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रमेश मुहारे, मैं लोकल पांजरा का रहने वाला हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे भैया, ये गाँव के अंदर जो ये रोड के ऊपर जो लगातार एक्सीडेंट होते रहे हो रहे हैं जी, रोड की हालत को देखते हुए हम शासन से अपेक्षा रखते हैं, शासन प्रशासन दोनों से जी, कि रोड की हालत बहुत ही खराब है और आए दिन हादसे होते रहते हैं जी, और कई लोग मौत के शिकार हो जाते हैं और कई लोग गंभीर घायल भी हो जाते हैं जी। तो शासन से अपेक्षा है कि डुल्हार से लेकर खंडवा तक का जो 12-14 किलोमीटर का मार्ग है जी, उसका नव निर्माण किया जाए जी। और शासन क्या है, समय समय पर पेच वर्क करवाती है और करोड़ों रुपए कहाँ बराबर हो जाते पता नहीं चलता जी। तो जनता बहुत रोड को लेकर परेशान है जी, तो त्रस्त हो चुकी है। शासन से अपेक्षा करते हैं कि इस रोड का पुनर्निर्माण किया जाए और अच्छे से निर्माण किया जाए जी। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। दादा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं जी? ये जो रोड है इसमें जो गड्ढे हैं जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वो गड्ढे बुझो जी। हाँ। गड्ढे बंद होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं गड्ढों की वजह से? होते हैं, होते रहते हैं। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रमोद तिरतड़े और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, बच्चों के लिए काम करती केडीएस संस्था है उसमें जी। जैसे मेरे पास 5 पंचायत है, तो मैं जब इधर से अभी आया तो मैंने देखा कि एक गड्ढे को बचाने के चक्कर में दूसरा गड्ढा छूट जाता है और ऐसे में तो एक्सीडेंट होने की काफी संभावना रहती है। अच्छा, तो मैं तो शासन से यही अपील करूंगा कि पेच वर्क होना चाहिए ताकि जनता की सुरक्षा जो शासन की वो प्राथमिकता में होना चाहिए। मतलब ये गड्ढों का सुधार होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। ठीक है, हम और एक दो लोगों से बात कर लेते हैं। भैया यही गांव के रहने वाले हैं आप जी? क्या नाम है आपका? ज्ञानदेव पटेल जी। पटेल साहब, ये जो रोड में गड्ढे हैं इसकी वजह से यहाँ एक्सीडेंट होते रह रहे हैं अक्सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर ये गड्ढे तो भरवाना जरूरी है, रोड डेवलप होना जरूरी है, अच्छा बनना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे आप रहते हैं तो आए दिन आपको खबर मिल जाती है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अभी बीते दिनों कल परसों भी यहाँ पर एक महिला स्पीड ब्रेकर पे से गिर के घायल हो गई थी जी। जी, तो आपकी तरफ से मांग है कि ये मार्ग जल्दी से दुरुस्त हो। दुरुस्त हो ना सर। आपका क्या नाम है भैया? जितेन पटेल। पटेल साहब क्या कहेंगे आप? बस ये रोड को ही सही करवाने का बोलना है और क्या। जी जी जी। इससे जनता काफी परेशान है। बहुत। अच्छा। काफी परेशान है। अच्छा।
ठीक है, तो आपने देखा कि हमारी यहाँ गांव के लोगों से बात हो गई, साथ ही इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों से भी बात हुई है। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।